प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में युवक कांग्रेस, NSUI और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और जमकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। कांग्रेसियों ने मांग की है कि जो निजी अस्पतालों की लूट चल रही है उसे रोका जाए और प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। युवा कांग्रेस और नगर कांग्रेस के तत्वाधान में निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ, खासतौर पर मेट्रो अस्पताल, आदित्य हॉस्पिटल, शेल्वे हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, नर्मदा, आप सब देख रहे हैं किस तरह से ये एक लूट का अड्डा बन चुके हैं। आज आम जनता त्राही त्राही कर रही है मगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बोलते हैं पहले 3 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद हम पेशेंट को अंदर लेंगे। आज गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ? मेडिकल और विक्टोरिया के हालात आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ जो एडमिट हैं वो आत्महत्या पे उतारू है। तो आज गरीब जो जनता है वो किस ओर देखे? वो प्रशासन की ओर देखेगी, वो नेताओं की तरफ देखेगी, भाजपा की जो सरकार है यहाँ पे उसकी तरफ देखेगी, मगर आप खुद देख रहे हैं किस तरह से ये लोग निरंकुश बैठे हुए हैं। इन्हें जनता की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही और इन्हें सिर्फ और सिर्फ उपचुनावों से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो गए हैं, वेंटिलेटर की हालत के हिसाब से, दवाइयों की हालत क्या है आज, मगर इन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। और हम इन्हें जगाने का काम कर रहे हैं लगातार इस कड़ी में। आज यहाँ पे ब्रज यादव जी, रुपेन पटेल जी, दिनेश यादव जी के नेतृत्व में हम ये धरना दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये मांग की जा रही है, अगर इसको नहीं मानी जाती, ये लूटबंदी नहीं की जाती, तो हम आगे उग्र आंदोलन करते रहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार आम जनता के लिए, आम जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। आप खुद देख रहे होंगे कि जो पिछले 4-5 महीना व्यवस्था थी सरकारी, वो भी ठप पड़ गई। और आज के तो इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी, जीवन सुरक्षा दवाइयाँ की कमी, वेंटिलेटर की कमी, और आज हर घर में ऐसा लग रहा है हर आंगन के सामने मौत खड़ी है और मौत नाच रही है। सरकारी व्यवस्था ठप हो चुकी है, निजी अस्पतालों ने लूट के वो छूट प्राप्त कर ली है, और कांग्रेस पार्टी आज उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन देके जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को दोषी मानते हुए कह रही है कि आपको 27 चुनाव लड़ना है, विधानसभा के सरकार बनाना है, बना लो, जो पैसा की जरूरत है आप वैसे ही हम लोगों से मांग लो। परंतु आपने ये निजी अस्पताल को, जो आपने अपने लोगों को छूट दे रखी है, निजी अस्पताल के आधे से अधिक अस्पताल भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों के सदस्य हैं, और इनने और जिला प्रशासन ने मिलके एक जो रेट तैयार किए हैं वो आम जबलपुर की जनता को लूटने के और मरने के लिए तैयार किए हैं। सरकारी व्यवस्था ठप कर दी कि लोग वहाँ जाए ना, ताकि सर निजी अस्पतालों में आए, और निजी अस्पताल पर 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा ले रही। आम जनता जाए तो जाए कहाँ? हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सर दवाइयों का टोटा है। ऐसी स्थिति में बहुत भयानक स्थिति है। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर धरना दे के लगातार हम 10 दिन से प्रशासन को सचेत कर रहे हैं, हम जिला कलेक्टर को सचेत कर रहे हैं, संभागीय कमिश्नर को सचेत कर रहे हैं, परंतु अधिकारी कहीं भी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने आप को ही जान जोखिम में डाल रही। जितने सदस्य बैठे हैं इनके परिवारों के सबके आज हमारे पास फोन आए कि भैया ऐसी महामारी के दौर में हमारे लोग अब कैसे आपके आंदोलन में सम्मिलित होंगे। परंतु मुझे इस बात की खुशी थी कि जब उस परिवार के लोगों ने यह कहा कि मेरे परिवार के लोग आपके आंदोलन में आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जहाँ पे पूरे शहर की जनता मर रही है वहाँ हमें अपने जीवन की चिंता नहीं है, और आज हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जान हथेली पर रख के प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद सरकार को समझ में आ जाए। इसी को लेके आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, और अगर इसके बाद जिला प्रशासन नहीं से चेता तो हम बहुत जंगी प्रदर्शन करके और प्रशासन की छाती पर रख के अपनी जनता की रक्षा की गुहार लगाएंगे।